आज हम लोग जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व के बारे में भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत को सरकार का पथ प्रदर्शक संविधान का सामाजिक आर्थिक न्याय दर्शन कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख नहीं है नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता नीति निर्देशक तत्व देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग चार व अनुच्छेद छत्तीस से इक्यावन तक है अनुच्छेद छत्तीस अनुच्छेद छत्तीस के अनुसार भाग चार में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग तीन में है अनुच्छेद सैतीस नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति गैर नियोचित है अर्थात इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता अनुच्छेद अड़तीस राज्य लोक कल्याण की अभिवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा अनुच्छेद उनचालीस का क समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है अनुच्छेद उनचालीस का ख सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधक साधन हो सके अनुच्छेद उनचालीस का ग धन का समान वितरण अनुच्छेद चालीस ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद अनुदालस कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद बयालीस काम की न्याय संगत और मनो मनवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद तैतालीस कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटूर उद्योग को प्रोत्साहन अनुच्छेद चौवालिस नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद छियालीस अनुसूचित अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद सैतालीस होशाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद अड़तालीस कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद अड़तालीस का क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद उनचास राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद पचास कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद इक्वन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभी अभी हमने जितने भी अनुच्छेद कराए हैं उसके अतिरिक्त और भी अनुच्छेद हैं ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं जैसे अनुच्छेद तीन सौ पचास का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनुच्छेद तीन सौ हिंदी को प्रोत्साहन देना अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अलग अलग संज्ञा दी गई है जिसमें नंबर एक अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर ने या भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता बताई है के टी शाह सा, के टी शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार भजाया जा सकता है या राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी ऑस्टिन के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की आत्मा बताई गई है टी कृष्णा मचारी नंबर चार टी कृष्णा ने नीति निर्देशक सिद्धांत को सच्चे कुरेदान की संज्ञा दी है अभी हमने जितने अनुच्छेद किए हैं वो कई अन्य एग्जाम के पर्पज से आने वाले एग्जाम के पर्पज से बहुत ही उपयोगी है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं